गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत ज़्यादा ही प्यार करते होंगे। अगर जिस परिवार में, जिस घरों में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई ना कोई रीज़न कुछ ना कुछ होता जरूर है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी होती है। पत्नियां अक्सर चाहती हैं कि पति को कैसे बस में करना चाहिए। भैया बस में मत करिए, प्यार कीजिए। प्यार एक ऐसा वशीकरण मंत्र है ना, जिसको किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हो। अगर चलिए पति देव तो बहुत ऊंची चीज है, एक जानवर भी ले लेते हैं, किसी जानवर को भी आप पालते हो ना तो वो भी आपके मुट्ठी में आ जाता है। पति देव तो वो चीज है जिनको आप अपने प्यार में ऐसे फंसा सकते हो, जो आप चाहो वो करवा सकते हो, लेकिन प्यार से। अगर आप चाहो गुस्से में आप अपनी आंखें दिखा के काम करवाना चाहो, है उल्टी सीधी बातें कह के करवाना चाहो, तो वो काम नहीं होगा, वो कंप्रोमाइज होगा। वो बेचारे कंप्रोमाइज करेंगे क्योंकि हो सकता है उनको लगता है कि मैं अपनी गृहस्थी तोड़ना नहीं चाहता, इस औरत के साथ मुझे निभाना पड़ेगा। ऐसा उनके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये प्यार का रिश्ता होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऊपर वाला जो होता है वो कहीं ना कहीं खुश होता है, तब ये रिश्ते मिलते हैं। और ये जब रिश्ते मिलते हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बन जाता है कि इन रिश्तों को प्यार से निभा के चलें। पत्नी का दायित्व तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। पति जो होता है वो काम में बिजी होते हैं, इतना ज़्यादा काम में बिजी होते हैं कि हो सकता है कि वो इतना दिमाग ना चला पाए। वो आपकी खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो बातें कभी कभी ऐसा होता है कि कहनी चाहिए वो नहीं कह पाते हैं। लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं, इतना दिमाग तो वो चला ही लेते हैं कि ये उम्मीद करते हैं कि जब मैं घर जाऊं पत्नी का चेहरा मुस्कुराता हुआ मुझे मिले, मेरी पत्नी का जो चेहरा है वो दमदमाता हुआ मिले। ऐसे हर पति उम्मीद करता है, मेरे पति भी उम्मीद करते हैं जब वो आते हैं तो। घर में कभी कभी होता है कि बच्चों से टेंशन हो जाती है, पढ़ाई के मामले में टेंशन हो जाती है, दिमाग कभी खराब हो जाता है, कभी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है काम करते करते कि बहुत ज़्यादा ही थकान की वजह से सर दर्द या फिर परेशानी होती है। लेकिन जब वो आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही मैं वो सारी थकान अपनी भूल जाती हूँ। अगर मुझे कोई दर्द भी हो रहा होगा, कहीं पेन भी हो रहा होता तो मैं अपनी बात कहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कहती हूँ, कहती हूँ। लेकिन जब वो आ जाते हैं, थकान उनकी दूर हो जाती, खा पी लेते हैं, जब रेस्ट करते हैं, तब मैं कहती हूँ कि आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आज मेरे को इतना पेन रहा। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है लेकिन आप उस पल का वेट करें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। जब आपको अगर ऐसी मामूली कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये बात कह रही हूँ। अच्छा, पत्नियों के मन में ये दिमाग में आता है, पत्नियाँ हमारी बहनें भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके कभी भी आहित की बात नहीं करूँगी। मैं भी चाहूंगी कि उनकी जो गृहस्थी है वो सफल गृहस्थी बने और अच्छी खुशहाल गृहस्थी बने। पत्नियां चाहती हैं कि मैं अपने पति को कैसे बस में करूं, पति को प्यार करने के लिए कैसे माहौल वो बनाऊं, कैसा वो माहौल क्रिएट करूं। सबसे पहले माहौल क्रिएट करने के लिए क्या है, कुछ गिनी चुनी बातें हैं वो आपको अपने अंदर धारण करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखना है। देखो, साफ सफाई होती ना तो वहाँ लक्ष्मी विराजमान रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी का जब पास रहता है तो अच्छे आनंदित माहौल रहता है। और दूसरी बात, उनके माँ बाप का ख्याल रखें। अगर उनके माँ बाप आपके साथ रहते हैं तो उनके मन में ये, हम ये नहीं कहते आप दिन भर लगे रहो, लेकिन ज़रूरत पे उनके साथ खड़े रहो, ज़रूरत पे उनकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करवा सको, ऐसा कुछ माहौल बनाइए। बच्चों से ये कहिए कि अगर झगड़े, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उनसे ये कहिए कि पापा के आने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। माहौल खुश मिजाज बनाए रखना है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, मेकअप की ज़रूरत है आपको। देखिए, आप पूरे दिन काम करते हो, थक जाते हो, माना उनके आने से पहले खाना ना बना लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और रेस्ट करने के बाद अपना थोड़ा सा साज श्रृंगार कर लीजिए। नहीं आपको लिपस्टिक पे पोतनी है, ऐसा नहीं करना है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा टचअप देना है चेहरे पे, कि हल्का सा मामूली लिपस्टिक लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही लिपस्टिक पीली हुई है। आजकल कौन लगाता है इतना ज़्यादा मेकअप, कौन करता है। लेकिन हाँ, आप ऐसे रहिए कि आप अच्छे लगो देखने में, हल्का सा लिपस्टिक का टचअप दीजिए, हल्का सा फेस पे
टचअप दीजिए, बालों को अच्छा रखिए। उसके बाद माहौल ऐसा बनाइए कि वो अच्छा लगे उन्हें। जैसे ही वो आए तो थोड़ा सा पहले पानी आने दीजिए, फिर हंसी मजाक से कुछ बात शुरू कीजिए जैसे उनको अच्छा लगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्यार क्या है। प्यार पता है क्या है? एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसे संसार को मुट्ठी में कैद किया जा सकता है। फ्रेंड तो वैसे ही बहुत भावुक होते हैं। जहाँ पति पत्नी आपस में खुश रहते हैं वहाँ देवता भी निवास करते हैं। आप जानते हैं क्या कि जो खुशी का पल जो होता है, खुशी का जो माहौल होता है, वो देवता भी चाहते हैं। ऐसा माहौल चाहते हैं देवता भी। तो दोस्तों क्या करना है आपको कि मैं आपको बता दूं अच्छे से कि अगर आपके पति देव थके थकाए आते हैं तो उन पे ध्यान देना है आपको। अपनी बात कहनी है लेकिन बात नहीं कहनी है। सबसे पहले आपको इन बातों पे गौर करना है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ने, ईश्वर ने जो प्यार दिया है वो सबके दिलों में दिया है। अगर पति से आप अच्छे से बोलोगे चालोगे, उनका ध्यान रखोगे, उनके हर चीज़ का ध्यान रखोगे। पति वो ऐसा नहीं है कि वो हंटर लिए रहते हैं और आपके ऊपर चालू रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। हर पति अपनी पत्नी को प्यार करता है। हर पति जो होते हैं अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, हर उनकी हर चीज़ की छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही धैर्य वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपके पति देव जो धैर्य वाले नहीं हैं तो आप उन्हें बना सकती हैं। आप उनको एक प्यार से, स्नेह से उनका मन चेंज कर सकती हैं, वैसा माहौल क्रिएट कर सकती हैं जैसा कि आप चाहती हैं। तो ये सब थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी होता है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। पतिदेव जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होती है। लेकिन आपको अपना आपा नहीं खोना है। उससे क्या होता है कि आप भी अगर अपना आपा खोलोगे तो घर का माहौल बदल जाएगा और एकदम चेंज हो जाएगा और आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाएंगे। तो वो भी घर में नहीं रहना चाहेंगे। माहौल ऐसा क्रिएट मत कीजिए, अच्छा माहौल रहने दीजिए। जो लेडीज होती है, घर की लक्ष्मी होती है, उसके अंदर वो ताकत होती है, वो पत्थर को भी ना पिघला के मोम बना देती है। तो कुछ ऐसा ही कीजिए और पत्थर को पिघला के मोम बना दीजिए अपने। हो सकता है आपको टाइम लगे। कुछ मुझे कमेंट आए कि मेरे पति जो है वो कितना भी मैं प्यार कर लूँ, कितना भी कर लूँ, कैसे भी क्या कर लूँ, लेकिन वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो हो सकता है कि वो बिजी हों इतना, या फिर उनका नेचर में ना हो। लेकिन आप अपना वर्क करते रहिए। अगर देखिएगा आप वर्क करते रहिएगा, पत्थर भी पिघल जाता है। इसी तरीके से आपके पति का जो मन है वो भी चेंज हो जाएगा। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी गृहस्थी अच्छी चले, मज़ेदार चले, एकदम फर्स्ट क्लास चले, और जो लक्ष्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहें, जो गृहणियाँ हैं बहुत ज़्यादा खुश रहें, उनके जो पति देवता हैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहें। और बाकी यह है कि कोशिश ये रहती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।